लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बरसात की भीगी रातों में फिर तेरी कहानी याद आई, कुछ अपना जमाना याद आया, कुछ उसकी जवानी याद आई। फिर तेरी कहानी याद आई, बरसात की पूजा, साहब 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 साहब, क्या हुआ साहब? क्या हुआ? क्या साहब, आप फिर पूजा पूजा कर रहे थे, फोन कर रहे थे। साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं लगता है, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, ये बीमारी शरीर की नहीं, दिमाग की है। मेरे साथ ही जाएगी। खैर, क्या बात है, कोई मैसेज? हाँ साहब, रोहित साहब का फोन आया था दिल्ली से, कल सुबह आने के लिए बोल रहे थे। वो स्टोरी वोरी कुछ रेडी करके रखने के लिए बोले। हाँ, और वो आपके हीरोइन है ना, सीमा दीदी, उनका ही फोन आया था। बोल रहे थे कि कुछ पार्टी आज शाम को, अगर आप नहीं जाएंगे तो पार्टी बंद कर देंगे। पगली। और सब? बस सब चाय बनाओ। नहीं नहीं, मेरा जॉगिंग सूट है यहाँ। हाँ सब है ना इधर, ले आ। सब सब इतने रात को जॉगिंग करेंगे? रात को जॉगिंग करूंगा तो क्या पुलिस वाले पकड़ लेंगे मुझे? नहीं सब, मैं ऐसे ही बोल रहा था। लाता हूँ साहब। किसी से कोई प्यार ना करे।
समझे किसी को चला जाता हूँ। वैसे भी मुझे पैदल चलने की आदत है। राहुल, मैं कल बैंगलोर जा रही हूँ, जाने कब मुलाकात होगी। कॉफी तो पिला सकते हो, दिखाओ। ओ माय गॉड, अभी तक खो निकल रहा है। डिटॉल है तुम्हारे पास? ओके। कितनी बेबस, कितनी खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी राहुल। ये चेहरा, ये बाल। सीमा, पागल हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया? Get a hold of yourself. सीमा, सीमा प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। I don't mean to, but सीमा मैं एक पुराने किस्म का आदमी हूँ। मेरे रग रग में प्यार मोहब्बत के जो पुराने ख्याल भरे हुए हैं, मैं उन्हें निकाल कर फेंक नहीं सकता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी, आई एम सॉरी। फॉरगेट इट राहुल, मुझे तुम्हारी मरहम की जरूरत नहीं है। काश मैं तुमसे कभी मिली ना होती। थैंक यू एंड गुड बाय। सीमा, सीमा। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर साहब। क्या ले जनाब? हेलो, हेलो राहुल, रोहित या फोन उठाओ। राहुल आयुध है,
11 बजे मैं 1:30 बजे वापस फोन करता हूँ। ओके बाय। सैटरडे 10:49 AM। तेरे दर पर सनम हम चले आए। रेडी आप? क्या फायदा इतने मैसेज छोड़ने का यार राहुल? 6:30 बज चुके हैं और क्या हो गया तेरे सर पे? क्या बात, क्या है, क्या हुआ? मैं आ रही हूं राहुल, आई एम कमिंग फॉर यू। क्या तुमने आवाज पहचानी? यह उसी की आवाज है। किसकी भाई? पूजा की। तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये आवाज इसमें नहीं तेरे सर में बजाई है। 3 साल हो गए नहीं बोला तू उसको अभी तक। चल चल रेडी हो जाओ चल। रोहित हाँ? क्या मैं पूजा की आवाज पहचानने में गलती कर सकता हूँ? ये उसी की आवाज है। अरे यार कोई मजाक कर रहा है तेरे साथ राहुल, डोंट बी स्टूपिड नाउ, तैयार हो जाओ चल। अपनी फाइनेंस चौकाने के साथ मीटिंग है याद है ना? आज कहानी फाइनल करनी है भैया, वरना सब सड़क पे आ जाएंगे। हाँ कोई कमर्शियल गाड़ी सुना ना तुम, एक्शन रोमांस ऐसा कुछ है? चलो काम पे जाओ तो भाई। क्या राहुल तू भी, फिर क्या हुआ? बस अब फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है। एयरपोर्ट पर कमाल का एक्शन का सीक्वेंस, इधर से हीरोइन जा रही है, उधर से विलन आगे बढ़ता है, पीछे से वाइजाज बढ़ते जा रहे हैं। ऑडियंस सस्पेंस में, अब हीरोइन गई गई, इतने में हीरो आ जाता है। बस बस आगे मैं समझ गया। क्या धांसू आइडिया है। अरे हिट फिल्म है, लिखवा लो मुझसे। रोहित भाई जी अब आ गया ना लाइन पे आपका भाई। थोड़ा सा सेक्स डाल दो। अरे जो कहे वो डाल देंगे साहब, अब तो रिवॉर्ड चाहिए, अवार्ड किसको चाहिए। अरे भाई एग्रीमेंट बनाओ, 20-25 लाख रुपया दे दो, जो भी चाहिए दे दो। थैंक यू वेरी मच चौकानी साहब, थैंक यू वेरी मच। राहुल साहब आपने कहानी लिखी तो आपको टाइम बहुत लगा होगा। नहीं नहीं जी, अब भी सोचा आप जैसे घटिया लोगों को खुश रखने के लिए मैं ऐसी बकवास कहानियां फौरन सोच लेता हूँ। क्या कह रहे राहुल, क्या हो गया तुझे, होश में है तू? लाना था मेरे होश को। रोहित मैं ऐसी बकवास फिल्म नहीं बना सकता, आई एम सॉरी। राहुल चौकानी साहब एक सेकंड। राहुल अरे क्या चौकानी साहब तक का है, फिल्म बनाने निकले। राहुल लिसन टू मी राहुल, ये क्या किया? सारे किया कराए पे पानी फेर दिया तुमने, 1 करोड़ रुपए गलत मार दी। रोहित मैं ये फिल्म नहीं बना सकता, एक झूठ को दिन रात जीता रहूं, आई एम सॉरी आई जस्ट कांट डू इट। क्या करेंगे, फिल्म बनाना छोड़ देंगे आप? नहीं रोहित मैंने ये कब कहा, जब सही कहानी मिल जाएगी तब मैं फिल्म बनाऊंगा। कब मिलेगी सही कहानी आपको? जल्दी मिल जाएगी रोहित, जल्दी मिल जाएगी। तब तक मैं क्या करूं, वर्कर्स को नोटिस दे दूं, भूखा मार दूं उन्हें, हैं, दुकान बंद कर दूं, सब कुछ बेच दूं? हाँ हाँ बंद कर दो, मगर मैं ये झूठा खेल नहीं खेल सकता, समझे? राहुल ये क्या हो गया तुम्हें राहुल? रोहित मेरे पीछे पीछे मत आओ, मुझे अकेले छोड़ दो फॉर गॉड सेक। आदाब, तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते? ए पागल चुप, साहब का मूड ठीक नहीं है क्या?
विशेष सूचना। अभी अभी खबर मिली है कि बेंगलोर का सुप्रसिद्ध मनु शांति पागलखाना एक भयंकर अग्निकांड में जलकर भस्म हो गया है। जानकार सूत्रों ने बताया है कि आग अचानक लग गई और तेजी से फैल गई। फायर ब्रिगेड की तमाम कोशिशों के बावजूद किसी भी मानसिक रोगी को बचाया नहीं जा सका है। अब तक 15 रोगियों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। आग के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। पुलिस सूत्रों ने आशंका प्रकट की है कि यह घातपात का मामला हो सकता है। क्या हुआ? आग लग गई। कहाँ? वहाँ। वहाँ कहाँ? बेंगलोर के पागलखाने में। लगाई होगी किसी पागल ने। हमें क्या करना? तू समझता नहीं है, वहाँ पूजा थी। I'm sorry। बैठ, बैठ जा। मुझे बेंगलोर जाना है, आज ही, इसी वक्त। I have to go। एक गुड़िया पानी ला रहे। देखिए सर, इट्स एन इमरजेंसी, मुझे बैंगलोर के लिए सिर्फ एक टिकट चाहिए, प्लीज। हाँ साहब, किसी भी रूट से चलेगी, दिल्ली से, मद्रास से। आई नो ऑल फ्लाइट्स आर कैंसल, बट देयर मे बी सम वे। हेलो हेलो राहुल, ये सब छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है, सब फ्लाइट कैंसिल हो चुकी। नेवर माइंड, मैं आज रात को ही बैंगलोर जाऊंगा। तू पागल हो गया, कैसे जाएगा तू पैदल? मैं जाऊंगा। कैसे राहुल? यस राहुल। बेंगलोर तक लिफ्ट मिल सकती है मैडम? पूजा, प्यार करते थे उसे? हाँ। कौन थी वो? कहाँ मिले थे उसे? पूजा से 3 साल पहले शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए हसीनागुड़ी में एक आश्रम में गया था। एक सुबह मैं ध्यान में डूबा हुआ था, तब कुत्ता लगातार भौंक रहा है, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। यह आश्रम है, चिड़ियाघर नहीं। मुझे मालूम है, मैं आश्रम में हूँ, जेल खाने में नहीं हूँ, और ये कुत्ता मेरे साथ ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। नो, ये कुत्ता आपके साथ नहीं रह सकता है। मैं रखूंगी उसे अपने साथ। ये कुत्ता हर किसी यहाँ नहीं रह सकता है। रह सकता है? नहीं 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 देवी जी, कुत्ते को आश्रम में रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती, यह ध्यान केंद्र है देवी जी। लेकिन दौड़जी मेरे बिना नहीं रह सकता। तो आपको भी जाना पड़ेगा, आपके नाना जी इस आश्रम के ट्रस्टी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करेंगी और आश्रम के नियम को तोड़ेंगी। कुत्ते को बाहर छोड़िए या आप यहाँ से जाइए। शुक्रिया। चार दौर जी, ये आश्रम है, ये पत्थर के भगवान रह सकते हैं, जिंदा लोगों के लिए यहाँ कुछ जगह नहीं। तू जा। Give me that. I hate you.
झूठ, बिल्कुल झूठ। आप इसे प्यार नहीं करती, जिसे प्यार करते हैं उसे इतनी आसानी से छोड़ नहीं देते, समझी? सही बात है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं इसे जंगल से उठा लाया, नहीं तो आप इसे जंगल से उठा लाए। हाँ, मैंने सोचा जो समाधि कुत्ते की आवाज से टूट जाए वो समाधि किस काम की। राहुल नाम है मेरा, बंबई में फिल्में डायरेक्ट करता हूँ। उस भागदौड़ शोर शराबे में शराब की लत पड़ गई तो यहाँ चला आया। और आप? पूजा, पूजा नाम है मेरा, रईस बाप की औलाद हूँ। घर पे कोई काम नहीं था ना, इसलिए यहाँ आ गई। नाना जी कहते हैं कि मैं थोड़ी सी पागल हूँ, क्या मैं आपको पागल लगती हूँ? हाँ हाँ थोड़ी सी। सच? वो पहली मुलाकात जो शुरू हुई तो फिर खत्म ना हुई। सुबह शाम, रात और दिन हम लगातार बातें करते चले गए। वक्त का एहसास खत्म हो गया, गुजरता हुआ आज आने वाले कल में खो गया, हम भी एक दूसरे में खो गए। हो रहा हूँ
हुस्न की जया से पूछ लो। चांदनी पड़ी हुई है मांद क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। सिखाया वो तुम खुद क्यों भूल गए? क्यों छोड़ दिया तुमने उसे? मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मैं उसे प्यार करता था। ऐसा भी होता है सीमा कि प्यार के खातिर उसको भी छोड़ना पड़ता है जिसके बिना जी नहीं सकते। मतलब यही है, शुरुआत में ही अनछुपा होता है। बंबई में उन दिनों जब हम खुशियों की दुनिया में डूबे हुए थे तो मुझे पता ही नहीं चला कि बर्बादी का साया हमारे साथ चल रहा था। गोपाल जी साहब, चाय लाना। सब कोई आया है आपसे मिलने के लिए? कौन? मालूम नहीं, मुझे पानी मांगे मैं दे दिया। यस, मैं पूजा का नाना हूं, द्वारकानाथ। सॉरी, बिना खबर के आ गया। तो क्या हुआ? नो प्रॉब्लम। अरे भाई, दो चाय लाना। नहीं नहीं बेटा, चाय की जरूरत नहीं। दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करने आया था। कई साल पहले ऐसी एक सुबह थी, पूजा की मां यानी मेरी बेटी धीरे धीरे चलकर रेलिंग के पास गई और फिर अचानक उसने नीचे छलांग लगा दी और वो मर गई। मैं आपका मतलब नहीं समझा। पूजा की मां दिमागी तौर पे बीमार थी। ये बीमारी हमारे खानदान में है, हमारे खून में है। मैं खुद ही गोलियां खा के अपने आप को नॉर्मल रखे हूं। राहुल, पूजा की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें होशियार करने आया हूं। हर दो साल में जब भी मानसून के बादल गिरते हैं ना, तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है।
मैं चाहता हूं तुम उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ, बस यही कहने आया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं पूजा से अलग नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल राहुल। पूजा एक ख्वाब है, एक ख्याल। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, जो मुमकिन नहीं उसे मत करो। ओके, पूजा से ये सब मत कहना। बी केयरफुल, अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूं। चलो, क्या बात है? What's the problem? हेलो भी नहीं कह सकते? सॉरी पूजा, काम में बिजी था। चलो लेट्स गो। कहाँ? मेरे घर। और शूटिंग कौन करेगा? शूटिंग कैंसिल कर दो राहुल। ये ना पूजा, आई कांट डू दैट। देखो, हमेशा की तरह आज शाम को भी 7:30 बजे मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। राहुल, आई जस्ट बी देयर। ओके राहुल, नो नो पूजा, राहुल मैं शाम को आ जाऊंगा। ओके रोहित, नो पूजा, आई विल बी देयर। म्यूजिक। पूजा स्टॉप इट। We'll be right back.
नमस्ते साहब, जा मैं ख्याल रखिए, काम वाम जरा। हाय। हाय। सॉरी मैं लेट हो गया। कौन था वो? अरे वो तो ऐसे कोई छोटा मोटा एक्टर है, मगर तुम ये क्या कर रही हो? अरे मेरे बाप का होटल थोड़ना है। चलो प्लीज स्टॉप इट। दिल से तो जुदा कर लिया ना, कम से कम यहाँ तो जुड़े रहने दो। कौन जुदा कर रहा है तुमको? किसकी दिल की बात कर रही हो? अरे जनाब, इस दिल पर हाथ रख कर तो देखो, इससे सिर्फ एक ही आवाज आती है, पूजा पूजा पूजा। अच्छा तो फिर उस दिन मेरे नाना जी के साथ क्या कर रहे थे तुम? क्या बात कर रहे थे उनके साथ? नाना जी? किसके नाना जी? राहुल डोंट लाइक टू मी, राहुल डोंट लाइक टू मी, राहुल। पूजा, नॉट लाइक टू यू। डोंट कर रहे हो तुम, मुझे प्यार करने का ढोंग कर रहे हो तुम, झूठ बोलते हो। क्या कह रहा था वो? कह रहा था पूजा।
पूजा पूजा दरवाजा खोलो। I'm sorry पूजा। हाँ मैं तुम्हारा नाना से मिला था, मगर पूजा मैं तुमसे वादा करता तुम्हारा मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। पूजा पूजा प्लीज दरवाजा खोलो। तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना राहुल? कभी नहीं? नहीं। I'm sorry. I'm sorry. चलो कहीं और चलते हैं, सब लोग देख रहे हैं। हाँ तुम इतनी आहिस्ता आहिस्ता बातें करोगी तो लोग तो देखेंगे ना। चलो। हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं। हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं। हाँ दीवाना हूँ मैं। मांगी खुशियाँ मगर गम मिला प्यार में, मांगी खुशियाँ मगर गम मिला प्यार में, दर्द ही भर दिया दिल के तार में। जब हम एक ओर संगीत की लहरों में खोए हुए थे दिल के हर तार, तो दूसरी ओर आज कोई पूजा के अंदर डर और खौफ के तूफान कल्पना की सीमा पार कर सच्चाई का रूप ले रहे थे। अब उसका डर उसके सामने खड़ा था। एक्सक्यूज मी पूजा, ये तुम्हारा वहम है, कोई पीछा नहीं कर रहा है तुम्हारा। चलो पहले बतिया जलाओ। क्यों क्या हुआ? मुझे लगता है कोई अंदर है, बतिया जलाओ प्लीज। अंदर कोई नहीं, मैंने कह दिया ना बतिया जलाओ प्लीज। ओके के बाद ही आपका पता चलता है। उस
उस वक्त मेरी बात शायद तुम्हारी समझ में नहीं आई थी। ये दूसरा दौरा ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब ये दवाई उसे बचा सकती है। प्लीज ट्राई एंड गिव इट टू हर। वो खाने के लिए इनकार करेगी मगर हो सके तो किसी तरह से खाने मिला के इसे खिला देना। ये बहुत जरूरी है उसके लिए, वरना हो सकता है उसे पागल खाने ले जाके इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़े। La 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 dinner time ये देखो सैलेड गर्मा गर्म दाल सब्जी ये लो। कितने पैसे लिए हैं तुमने मेरे नाना से? पैसे तुम्हारे नाना से किस बात के लिए? मेरे खाने में जहर डालने के लिए, मुझे मारने के लिए। पूजा मैं तुम्हें जहर दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। क्यों? तुम्हारे उस भाई को खुश करने के लिए। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? ना मेरे खाने में जहर डालना चाहते हो ना तुम? जाओ। हाय। शूटिंग रखिए, चल मेरे साथ। शूटिंग कैंसिल कर लो, मैं नहीं चल सकता। पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। कितनी शूटिंग कैंसिल हुई पता? मैं जानता हूं रोहित, मगर मैं नहीं चल सकता। राहुल क्या हो क्या गया तुझे? इस पागल लड़की की वजह से तू अपने आप राहुल तो अपने आप को बर्बाद कर रहा है और मैं ये होते हुए नहीं देख सकता। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे लेके जाऊंगा। मैं नहीं चल सकता हूं, गेट आउट। राहुल व्हाट इज रॉन्ग विद यू? यू हैव टू कम विद मी, गेट आउट। राहुल आई सेड गेट आउट। हो गया मुझे राहुल, तुम मेरे खाते सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ रहे हो और मैं तुम परेशान कर रही हूं। तुम बेसली पूजा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अच्छा अब चलें, ऊपर जाके खाना खा लें। या नहीं, या मुझे डर लग रहा है। हम बाहर जाके खाना खाते हैं, ओके? हाँ, आ जाए। ओके। Thank you.
रही हो तुम? पूजा, पूजा, क्या हुआ? क्या बात है? क्या छुपाया तुमने? क्या? क्या छुपाया तुमने? क्या छुपाया पूजा? बम मुझे मारने के लिए। पूजा क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें मार डालूंगा क्या? हाँ चलो अंदर, चलो बारिश हो रही है, चलो। गाड़ी में नहीं, कहाँ है बम? टिकी खोलो, टिकी खोलो, टिकी खोलो, बताओ कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा बम? राहुल, उसे अब ये यकीन हो गया है कि तुम भी उसे मारना चाहते हो। मुझसे पूजा की हालत देखी नहीं जा रही, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। तुम एक ही काम कर सकते हो, इसी वक्त फौरन उससे दूर चले जाओ। आज के बाद उसका ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। और कुछ नहीं हो सकता? नहीं। पूजा से प्यार करते हो ना, उससे दूर चले जाओ। इस हादसे के बाद तुम्हें देखकर उसके दिमाग की हालत और खराब हो जाएगी। क्या मैं उसे आखिरी बार देख सकता हूं? तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसे मेरे भरोसे छोड़ दो, जाओ। बाहर जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये घड़ी भी टली जाएगी। गो। याद मेरे जिस्म में एक छुपा हुआ कांटा है जो कभी निकल नहीं सकता, कभी नहीं निकल सकता। सीमा, मैं भी कितनी पागल थी, तुम्हारे दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे हजार लड़कियां भी आए ना राहुल, तो तुम्हारे प्यार को नहीं जीत सकते। थैंक यू। नमस्ते जी, पूजा कहाँ है? क्या बात है?
क्या मैं उसे मिल सकता हूं? कहां है वो? सीमा, अब राहुल कैसा है? अब ठीक है, तीन रातों से सोई नहीं थे, अब थोड़ी नींद लगी है। सीमा, पूजा की मौत का सदमा बर्दाश्त करने के लिए राहुल का वापस काम पे लगना बहुत जरूरी है। नहीं रोहित, उसे कुछ दिन के लिए यहीं रहने दो। लेकिन सीमा, वो ही सेफ हियर। व्हेन विल ही कम बैक? जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं खुद लेके आऊंगी उन्हें। ओके ओके, डोंट वरी रोहित, ही सेफ। ओके ओके रोहित, बाय, आई कीप यू इनफॉर्मड। या बाय। ओके बाय। हाय हाय। जल्दी उठ गए? हाँ। एक बात बता राहुल, पार्टी में नॉर्मली विस्की कितनी लगती है? ये तो पीने वालों पर डिपेंड करता है। कितने लोगों की पार्टी है? यही कुछ 15-20। और खाने का क्या करें, घर में पकाए या बाहर से मंगाए? अगर पैसे बचाने हैं तो घर में पकवा लो, नहीं तो बाहर से मंगवा लो। एक बात बता राहुल, अगर तुम मेरे घर वाले होते तो घर चलाने में मेरी बहुत मदद होती। क्या देख रहे हो? बस यही देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ी स्टार के अंदर एक बहुत ही अच्छी लड़की, एक दोस्त, एक हमदर्द। तुम्हें याद है 7 साल पहले मेरे भाई के मौत पे तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि कोई भी रिश्ता जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। राहुल, आदमी कितना ही महान क्यों ना हो, उसके लिए जिंदगी नहीं छोड़ी जा सकती। गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ राहुल, चलो पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल पहले की तरह, साफ सुथरे, नॉर्मल, फॉर माय सेक राहुल, प्लीज। Thank you, thank you. Back. I'll be back. Hi. Rahul. Rahul. Rahul, hurry up. Rahul, they're waiting for you to sing. मैं अभी आता हूँ सीमा। Hello? Hello? तेरे दर पर सनम, हम चले आए। तू ना आया तो हम चले आए। हेलो, चले आए तू ना आए।
कभी ना रहे, लड़खड़ाए कदम चले आए, लड़खड़ाए कदम चले आए, चले आए, चले आए तेरे दर पर सनम, चले आए तू न आया तो हम चले आए। तीरा लेके अपना भरम चले आए, लेके अपना भरम चले आए, चले आए, चले आए तेरे दर पर सनम, चले आए तू न आया तो हम चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए। May I speak to Rohit, please? Hello, Rohit, yeah? हाँ रोहित, मैं सीमा बोल रही हूँ। कुछ पता चला सीमा? नहीं रोहित, अब तक कुछ नहीं पता चला। 24 घंटे हो गए, खुद भी नहीं आए और उन्होंने फोन भी नहीं किया। पुलिस में खबर की? की थी, मगर 48 घंटे के पहले रिपोर्ट लिखते नहीं है रोहित। यहाँ के DCP मेरे पुराने फैन हैं, उनके जरिए कुछ करूंगी रोहित। हुआ क्या था सीमा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है रोहित, प्लीज कम इन द नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट। Please. Yeah, as soon as possible. Okay. Bye.
तुम्हारे पर्स से तुम्हारी गैर हाजिरी में 10,000 रुपए ले रहा हूँ। क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सीमा, मेरी फिक्र मत करना। रोहित से भी कहना कि वो मेरी फिक्र ना करे। विश्वास करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रूरत होने पर मैं खबर करूँगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना राहुल। राहुल मुझे उस आश्रम में वापस जाना है। मगर पूजा वहाँ तो सिर्फ खंडर ही खंडर है। नहीं मैं वहाँ जाऊंगी।
मन के अरमा अपने तन मन से पूछो। इनकी छुन छुन का मतलब दिल की धड़कन से पूछो। दुनिया सारे जमाने ले ले, दौलत ले ले, खजाने ले ले, लूट सके ना जिसको जमाना, हमको एक पल ऐसा दे दे। प्यार के रंगी मौसम सब जिस पल में रहते हैं, वक्त के सच्चे नगमे जिस पल में रहते हैं, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे कल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। पागल खाने में दिन कैसे बीते राहुल, मैं बता नहीं सकती। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, तो मैंने सोचा कि मैं पागल खाने को आग लगा दूं। मुझे नहीं मालूम था कि आग इतनी बढ़ेगी। अब क्या होगा राहुल, अब वो लोग मुझे मार डालेंगे ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा पूजा, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ये कैसे हो सकता है, वो मर चुकी है। Her dead body has been found. No, madam. यकीनी तौर पे ये कहा नहीं जा सकता है। लाशें इतनी बुरी तरह जल चुकी थी, किसी की भी पहचान नहीं हो सकी। रोहित, अगर पूजा जिंदा है तो तुम्हारे भाई की जान खतरे में है। हालांकि वो मेरा खून है, लेकिन ये कहना जरूरी है कि वो खतरनाक है। ये दो प्रेमियों का मिलन नहीं, तबाही की शुरुआत है। आप लोग शायद मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आने वाले कल की बर्बादी को साफ साफ देख रहा हूं। साहब दूध। अच्छा ये बताओ मेम साहब, ये अचानक आधी रात को चाय पीने का मूड कैसे हो गया? चाय पीने का नहीं, आत्महत्या करने का मूड हो गया है। क्या मतलब? राहुल, राहुल वो मुझे पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं मुझे। मैं इस पागलखाने में वापस नहीं जाना चाहती, मैं वो जिंदगी नहीं बिताना चाहती जिसमें तुम नहीं हो। राहुल, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो ये चाय पी लो।
तरवेना, डर गए ना? I love you, Pooja. नहीं, I love you. कब तक मैं तुम्हारी शक करती रहूंगी? हम लोग उसे किसी भी हालत में पकड़ेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं. इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ उसे पकड़ लेने का सवाल नहीं है. We are running out of time and it is very urgent. देखिए, उसे भागे हुए 14 दिन हो चुके हैं और अगर अभी हमने उसे नहीं पकड़ा, she can turn very violent and then don't blame me. अरे यहां तो कोई भी नहीं. चारों तरफ इश्तेहार फैल चुके हैं, अब तो बस ईश्वर पर ही भरोसा है. हमारे बस में जो कुछ भी था हमने किया. एक काम बाकी है. कौन सा काम? राहुल को पैसे की जरूरत पड़ेगी. वो बैंक को जरूर कांटेक्ट करेगा और अगर उसने ऐसा किया तो हमें पता चल जाएगा. कब तक भागते रहेंगे इस तरह? तो फिर भेजो मुझे वापस पागलखाने. भेज दो. तुम्हें भरोसा है कि मैं इस तरह कर सकता हूं? हाँ, चलो हम कहीं दूर चले जाते हैं. नितेश, लेकिन पैसे कहाँ है? पैसों का बंदोबस्त मैं करता हूं. हेलो. हेलो मुनीर साहब. कौन? मैं राहुल बोल रहा हूँ. हाँ हुजूर, डायरेक्टर साहब. कहिए, कैसे हैं हुजूर? कैसे याद किया मुझे? मुनीर साहब, मैं ऊटी के पास एक छोटे से गांव मसीनागुड़ी से बोल रहा हूँ. मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है. 5 लाख रुपए? जी, आप प्लीज मेरे अकाउंट से कर्नाटका बैंक में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दीजिए. बस समझिए, पहुंच गए. लेकिन आप एक काम कीजिए हुजूर, अपना पता लिखवा दीजिए हमें. हाँ बोलिए हुजूर. जी हाँ, हाँ 5 राइट. हाँ चलिए हुजूर, बिल्कुल. जी हाँ, थैंक यू. ओके जी. हेलो. हाँ रोहित साहब. हाँ मुनीर. हाँ बोलो. आया था फोन? कब आया था? एड्रेस दिया? हाँ लिखवा, एक सेकेंड. बोलो. अच्छा, राहुल, राहुल कोई आ रहा है, मुझे लेने कोई आ रहा है. राहुल, कोई नहीं है, कोई नहीं है पूजा, कोई नहीं आ रहा. कोई नहीं आ रहा है. राहुल एक काम करो, अपने हाथों से ना मेरा गला घोट दो. मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ ना. जानते हो तुम्हें खुश देखने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, जानते हो? मैं जानता हूँ. तुम सब कुछ जानते हो ना? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ.
7 बज गए हैं, 2 घंटे बाद बैंक खुल जाएगा, मैं बैंक जाकर पैसे ले आता हूँ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं, यकीन नहीं होता राहुल, यकीन नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए, मेरा विश्वास है राहुल बात मान जाएगा और पूजा को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। गलत, मैं तुम्हारे भाई को तुमसे ज्यादा जानता हूँ रोहित, वो कभी हमारी मदद नहीं करेगा, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं बेटे। मुझे एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका, उसके बाद आपको जो चाहे वो करिए प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूँ। थैंक यू, जाओ। तू मेरी बात ध्यान से सुनेगा राहुल? रोहित, विल यू लिसन टू मी राहुल? रोहित, विल यू प्लीज लिसन टू मी फॉर क्राइस्ट सेक। देखो राहुल, पूजा पागल है, उसकी जगह हमारे बीच नहीं पागलखाने में है, तू कब तक उसके पागलपन का बोझ उठाते रहेगा राहुल? ये तुम्हारा ख्याल है रोहित, मेरा नहीं, मैं पूजा से प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती, मैं उसे कभी अलग नहीं हो सकता, समझे? कभी नहीं। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आई कैन नॉट फॉरगेट इट राहुल। हाथ छोड़ मेरा। राहुल पूजा एक मुजरिम है, उसने पागलखाने को आग लगाई है, पुलिस उसके पीछे है राहुल, और इसके पहले कि तू किसी मुश्किल में फंस जाए, तू उनको बता दे पूजा कहाँ है। कहाँ? रोहित, पूजा मुजरिम हो या ना हो, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता, हट जा मेरे रास्ते से। पकड़ा उसको राहुल।
पूजा, नहीं पूजा, नहीं 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 पूजा, नहीं नहीं, congratulations for making an excellent film. All the best. Would you like to say something? This film, this kahani ke liye itni badi keemat chukani padegi. मुझे मालूम नहीं था इस फिल्म की जो तारीफ आप लोगों ने सब की है उस पर मेरा कोई हक नहीं बनता। यह तारीफ पूजा की है, यह नाम उसका है। आज मैं पूजा की कभी ना खत्म होने वाली याद के सामने अपना सर झुकाता हूं। पूजा, आई लव यू। थैंक यू। तन मन के अरमां अपने तन मन से पूछो, इनके छुन छुन का मतलब दिल की धड़कन से पूछो। दुनिया सारे जमाने ले ले, दौलत ले ले, खजाने रंगी मौसम सब जिस पल में रहते हैं, वक्त के सच्चे नगमे जिस पल में रहते हैं। आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है। हम गुजरे कल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू